गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू फार्मेकोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फार्मेकोलॉजी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी. इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स. देखिए, वैसे तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए मुझे आपको सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं चाहती थी मैं आपको क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर ये टॉपिक पढ़ाऊं. पर जैसा आप देख रहे हैं, अभी तक अनलॉक हुआ नहीं है, सितंबर आ चुका है, तो इस वजह से मुझे मजबूरी में ये रिकॉर्डिंग ही आपको देनी पड़ रही है. तो हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो फार्मेकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ेंगे. तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो ऑब्वियस है इसमें हम ड्रग्स क्या होती हैं और वो हमारे बॉडी पर क्या असर दिखाती है या बॉडी के साथ उसका क्या कनेक्शन है, इंटरेक्शन है, क्या लिंक है, क्या इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं. तो देखिए, काइनेटिक्स और डायनामिक्स में जैसा मैंने बताया कि हमें दो चीज़ें देखनी है, बॉडी और ड्रग. बॉडी और ड्रग देखनी है. तो डायनामिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, तो देखिए याद रखिए डेफिनेशन कि आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, पहला कॉन्सेप्ट है, और दूसरा ड्रग आपके बॉडी के साथ में क्या करती है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है और ड्रग बॉडी के साथ में क्या कर रही है. तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है कि बॉडी आपकी ड्रग के साथ क्या कर रही है. तो डेफिनेशन क्या हुई, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग. बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है उसको हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं. और डायनामिक्स क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. ड्रग आपकी बॉडी के साथ में क्या कर रही है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. अब इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो कि बॉडी किस में पहले आ रहा है, ड्रग किस में पहले आ रहा है. तो देखिए, डी से याद रखिए, डायनामिक में डी आ रहा है, तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग आ रहा है. तो डायनामिक में ड्रग डज टू द, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. ड्रग पहले आएगा डायनामिक के अंदर, तो फिर ऑब्वियस काइनेटिक में बॉडी पहले आ जाएगा. तो बॉडी आपके ड्रग के साथ में क्या करती है, तो भाई तीन, ये चार चीज़ें करती है वो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडमी करती है. बॉडी क्या करती है आपके ड्रग के साथ में, एडमी करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कि वो ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज्ड करेगी और फाइनली वो बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगी. क्योंकि बॉडी को इकट्ठा थोड़ी करना ड्रग को, वरना तो आप तो इतनी ड्रग अब तक जीवन में खा चुके हैं, इकट्ठी करते तो पता चला बॉडी के अंदर सिर्फ ड्रग ही भर गई और कुछ बचा ही नहीं. क्योंकि जब यूज़ हो गया, जो ड्रग काम करना था कर चुकी, उसके बाद एक्सक्रीट करो भाई, उसको इकट्ठा थोड़ी ना करना है. तो ये होता है आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स. तो आज हम वैसे तो काइनेटिक्स जो है अपनी इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, डायनेमिक अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. तो इन दोनों के प्रिंसिपल्स हमारे को पढ़ने हैं. तो देखिए, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स, तो इसका पर्पस क्या है काइनेटिक्स डायनेमिक्स पढ़ने का, कि हम ये समझना चाहते हैं कि ड्रग एक्शन क्या होता है, ड्रग थेरेपी क्या है, ड्रग को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं और कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं. अब काइनेटिक्स, जैसा मैंने डेफिनेशन बताया कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी डज के ड्रग के साथ में क्या करती है, जैसे कि क्या क्या करेगी भाई, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी और एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी बॉडी के द्वारा, यानी ड्रग का डिस्पोजिशन हो जाएगा. अब दूसरा, फार्मेकोडायनामिक्स में क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, बॉडी साथ में अब ड्रग क्या कर रही है, तो वो क्या करती है भाई, अपना थेरापेटिक इफेक्ट दिखाती है और अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाती है. थेरापेटिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट दिखाती है, मतलब हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, ड्रग का एक्शन पढ़ते हैं. काइनेटिक में तो हम पढ़ते हैं डिस्पोजिशन ड्रग का, और डायनामिक में हम पढ़ते हैं ड्रग का एक्शन. अब देखिए, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग क्या असर दिखाती है. तो ड्रग का जो इफेक्ट होता है अक्सर जुड़ा हुआ होता है उसकी कंसंट्रेशन पर,
कि उसकी कंसंट्रेशन जहाँ से वो दी गई है वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे दी गई और कहाँ पे वो अपना एक्शन दिखा रहे, तो जिस जगह उसको अपना एक्शन दिखाना है वहाँ तक वो कितनी पहुँची। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जितनी, अगर आपने 600 mg की टैबलेट ली है तो वो एग्जैक्ट 600 mg उस जगह पर पहुंच जाएगी जिस जगह पर उसको ऐसा दिखाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो हमारे को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ड्रग की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करें। रिसेप्टर साइट जो ड्रग्स हैं वो जनरली इनएक्सेसिबल होते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन से, और पूरी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सब जगह ड्रग के रिसेप्टर साइट्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी में, सेल्स में, साइट न्यूक्लियस वगैरह के अंदर अंदर अलग जगहों पर। इसलिए हम ड्रग का मेजरमेंट जो है, ड्रग की कंसंट्रेशन को इन साइट्स के ऊपर प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाते, इतनी सारी जगह पे तो कहाँ कहाँ पर आप मेज़र करोगे उसकी कंसंट्रेशन को। तो हमें क्या मेज़र करना होता है, ड्रग कंसंट्रेशन हम ब्लड में या प्लाज्मा में या यूरिन में, सलाइवा में देखते हैं, ना कि हर एक जगह पर। हर एक जगह पर तो फिर मैंने कहा इतनी जगह पर रिसेप्टर साइट्स पाए जाते हैं, हर एक रिसेप्टर साइट पर हम नहीं देख सकते ड्रग का एक्शन या कंसंट्रेशन। तो हम ड्रग की कंसंट्रेशन को ब्लड में या प्लाज्मा में, यूरिन में, सलाइवा में देखते हैं, जहाँ या फिर कोई दूसरा फ्लूड है वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो लागू हो रहा होता है। तो वहाँ से हम इसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं ड्रग की। अब ये प्लाज्मा का टिश्यू ड्रग कंसंट्रेशन के साथ में रिलेशन दिखाया गया है, काइनेटिक होमोजेनिटी डिस्क्राइब करती है, प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बताती है ब्लड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का और जो रिसेप्टर साइट है वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बता रही है, और फिर वो कैसे अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगा। ब्लड प्लाज्मा में जब ड्रग की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वो रिसेप्टर साइट पर या दूसरे टिश्यू पर भी उसकी कंसंट्रेशन जो है ड्रग की उसमें चेंज दिखाई देगा। अगर प्लाज्मा में चेंज होगी तो रिसेप्टर साइट पर भी चेंज होगी। जब प्लाज्मा में वो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस है टिश्यू में भी उसके प्रपोर्शनली वो बढ़ेगी, जैसे जितना प्लाज्मा में उतनी ज़्यादा वो टिश्यू में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट इसमें ग्राफ के अंदर देखिए, ड्रग टिश्यू पर इसकी ड्रग के टिश्यू में कंसंट्रेशन और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन दोनों बढ़ती हुई दिखाई गई है, साथ साथ चलती है। अब देखिए इनका रिलेशन काइनेटिक और डायनामिक का, जो आपको आपने जो डोज प्रेस्क्राइब्ड करी है, रेजिमेंट जो प्रेस्क्राइब किया, फिर वो जाएगा साइट ऑफ एक्शन पर और फिर अपना ड्रग का इफेक्ट दिखाएगा। अभी जो प्रिस्क्राइब करके साइट ऑफ एक्शन तक है उस पर डोजिंग और मेडिकेशन एरर का रोल होता है, एब्जॉर्प्शन का टिश्यू और बॉडी फ्लूड का, मास और बॉडी फ्लूड मास एंड वॉल्यूम का रोल है, ड्रग कैसे इंट्रैक्शन कर रही है, कैसे एलिमिनेट हो रही है, कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, ये सब चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स के अंदर। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और डायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग रिसेप्टर के स्टेटस पढ़ते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी पर्सन का रोल प्ले कर रहा होता है। भाई कईयों की जेनेटिक्स ऐसी होती है कि बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग। अब ड्रग इंटरैक्शन और टॉलरेंस भी हम इसके अंदर देखते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि आज के अपन क्लास के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्रग के मूवमेंट की स्टडी, कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रही है, बॉडी में ड्रग के मूवमेंट की स्टडी को अपन काइनेटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे को उसका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि बॉडी में कैसे ये एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर कैसे मेटाबोलाइज होकर के एलिमिनेट हो जाती है। तो ये चार प्रोसेस आते हैं। अब देखिए ये बताया हुआ है, ड्रग सबसे पहले ड्रग ली कैसे जाती है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो अपन ने रूट्स पढ़े थे भाई, ओरल, इंट्रावीनस, इंट्रापेरिटोनियल भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से SC दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, इनहेलेशन के द्वारा दिया जा सकता है, इंट्राडर्मली दिया जा सकता है ID के थ्रू। तो ये तो ड्रग हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने बॉडी में ड्रग को लिया तो ड्रग जा करके एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट होती है, पहले वो एब्जॉर्ब होगी जैसे ओरल कैविटी की मेम्ब्रेन पे, GIT ट्रैक्ट में, पेरिटोनियम में, स्किन, मसल्स, लंग्स वगैरह में जाएगी, एब्जॉर्ब होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जब ये हमारे एब्जॉर्ब होकर के पहले कहाँ गई थी, हमारे ब्लड के अंदर गई थी। तो ब्लड के अंदर देखिए बच्चों, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं जहाँ पे ये बाइंड होती है, फिर बाइंड होकर के ये अलग अलग जगहों पर जाती है, जैसे कि अलग अलग जगहों पर जाएगी तो ये बाइंड हो रही है, तो थर्ड पॉइंट तो बाइंडिंग है, तो टारगेट साइट पर बाइंड होती है, हो रही है जैसे न्यूरॉन रिसेप्टर पर,
इनएक्टिव स्टोरेज डिपो में भी जाती है, जैसे बोन और फैट वगैरह के अंदर, और ये लीवर में भी जाती है। लीवर में जब ये जाएगी तो ये मेटाबोलाइज हो जाएगी, यानी उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है। मेटाबोलाइज हो जाएगा यानी इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन मतलब जो उसको काम में आना था वो आ गया, और जो बच गया वो क्या बच गया, वो मेटाबोलाइट्स बच गए। तो ये देखो लीवर से मेटाबोलाइट्स रिलीज हो रहे हैं। ये मेटाबोलाइट्स जो हैं अब क्या होगा, इन मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन होगा। कौन कौन से रास्तों से? इंटेस्टाइन से, किडनी से, लंग से, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह के द्वारा ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और इसके एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? फीसिस है, यूरिन है, वाटर वेपर है, स्वेट है और सलाइवा है। इन प्रोडक्ट्स के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। रास्ते तो हैं इंटेस्टाइन, किडनी, लंग, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, और प्रोडक्ट हैं फीसिस, यूरिन, वाटर वेपर, स्वेट और सलाइवा। तो ये चार्ट आपको बनाना है काइनेटिक्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके। अब ये काइनेटिक का स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन देखिए, बताया हुआ है कि एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और एक्सक्रीट आउट होती है। तो एब्जॉर्ब ड्रग जो है डोजेस फॉर्म में आपने दी तो वो रिलीज होएगी, सॉल्यूशन में ड्रग रिलीज हो गई, ब्लड के अंदर गई, फ्री ड्रग वहाँ मौजूद है, ये प्रोटीन बाउंड होती है। तो ये साइट ऑफ एक्शन पर या तो बाउंड फॉर्म में जाएगी या फ्री फॉर्म में जाएगी, दोनों फॉर्म्स में जा सकती है, और ये एक दूसरे में चेंज भी होती रहती है दोनों फॉर्म्स। इसी तरह से ये स्टोरेज टिश्यू में जाएगी तब भी फ्री फॉर्म में भी होती है, बाउंड फॉर्म में भी होती है। ये ब्लड में जा करके लीवर वगैरह में जाती है, वहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना, और फिर जब फाइनली ये यूज्ड अप पूरी तरह से हो गई है तो ये यूरिन, बाइल, फीसिस, स्वेट, सलाइवा के साथ मिल करके एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाता है। अब सबसे पहले हमने कहा एब्जॉर्प्शन, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है जहाँ पर दिया गया था साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ जा रही है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितनी वो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब वो अपने टिश्यूज़ वगैरह को कितनी मिलेगी, तो उस पर डिपेंड करो कितनी एब्जॉर्ब हुई है। तो बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की वो परसेंटेज है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है बिना चेंज हुए। ये ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज़ होती है, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं भाई बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायो अवेलेबिलिटी या बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेटाबॉलिज्म अपन पढ़ेंगे। तो बायो अवेलेबिलिटी ड्रग का वो परसेंटेज है जो कि बिना चेंज हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है और फिर अपने बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने के लिए वहां पर अवेलेबल रहता है, चाहे वो किसी भी रूट के द्वारा दिया गया हो। तो जितना वो अवेलेबल है अपना एक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैंने आपको बोला कि आपने 600 mg की अगर टैबलेट ली है तो जरूरी नहीं है कि 600 mg अपना असर दिखाएगी, नहीं दिखाती। आपके टारगेट टिश्यू तक 600 mg पहुंचे कोई जरूरी नहीं है। तो वो कितनी उस टारगेट टिश्यू तक पहुंच रही है, कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में है और कितना वो अपना इफेक्ट दिखा पा रही है, वो सब बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। अब बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, जब दो फॉर्मूलेशन सेम कंपाउंड के दो फॉर्मूलेशन की सेम बायो अवेलेबिलिटी होती है और सेम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है तो बायो इक्विवेलेंस कहलाता है, यानी इक्विवेलेंट है वो दोनों की दोनों चीज़ें। सेम कंपाउंड के दो फॉर्मूलेशन सेम बायो अवेलेबिलिटी के हैं और उनका सेम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो ये देखिए ये रूट कौन कौन से रूट्स हैं, कितनी कितनी बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आईवी रूट की होती है। इसके बाद इंट्रापेरिटोनियल, फिर इंट्रामस्कुलर और फाइनली ओरल रूट, जिसकी सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं भाई, तो पहले तो अपन ड्रग से रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल फॉर्म क्या है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में कि वो कितनी आयोनाइज्ड है ड्रग, तो ड्रग अनआयोनाइज्ड होती है और लिपिड सॉल्युबल होती है, या आपके ये वाटर इनसॉल्युबल अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा अच्छे अपना असर दिखाती है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, मैंने बताया कि वाटर में इनसॉल्युबल होनी चाहिए, केमिकल नेचर क्या है, वैलेंसी कैसी है उसकी, हाई लिपिड और वाटर पार्टीशन कॉफिशेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म और वाटर इनसॉल्युबिलिटी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दूसरा फार्मास्यूटिकल फॉर्म ड्रग की, तो एब्जॉर्प्शन जो है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर ड्रग सस्पेंशंस में है,
या फिर टैबलेट में। अब पेशेंट सेलेक्टेड फैक्टर, वो तो ड्रग सेलेक्टेड फैक्टर थे, अब पेशेंट सेलेक्टेड कि भाई पेशेंट को कौन से रास्ते से दवाई दे रहे हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भाई ओरल दे रहे हो, इनहेलेशन से दे रहे हो, सब लिंगुअल दे रहे हो, कौन सा रास्ता है। दूसरा एरिया और वेस्कुलरिटी क्या है एब्जॉर्बिंग सरफेस की, कितने एरिया में वो एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ पर ब्लड फ्लो कितना अच्छा है। दूसरा स्टेट ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एब्जॉर्बिंग सरफेस की स्टेट कैसी है, किस स्टेट में है वो, म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो रही है कि कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, रेट ऑफ जनरल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो वहाँ पर कैसा है, ब्लड वॉल्यूम कैसा है, दूसरे ड्रग वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, या कोई और स्पेसिफिक फैक्टर्स हो तो वो सब के सब रोल प्ले करते हैं। अब इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने कहा एब्जॉर्प्शन फास्टर आईवी, आईवी के बाद इनहेलेशन, देन इंट्रामस्कुलर, देन ओरल और लास्ट डर्मल। यहाँ पर ये डायग्राम है भी ऐसे बताया हुआ, भाई देख लीजिए, इंट्रानेजल से दे रहे हैं, सब लिंगुअल जीभ के नीचे रख कर के दे रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लंग के अंदर हो रहा होता है, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बताया गया, इंट्रावीनस इंजेक्शन दिखाया गया है भाई। तो इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भाई देखो, इनहेलेशन और सब लिंगुअल का तो होता है कहाँ पे, लंग में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ट्रांसडर्मल पैच का भी यहाँ पर बताया गया है। दूसरा ये जो आपने दिए थे सब लिंगुअल का, इंट्रामस्कुलर का और आईवी का, इनका हो रहा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर। ओरल टैबलेट देखो भाई पेट में गई है, ये पोर्टल वेन बताई गई, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइनल की वॉल में होगा। 50% सब्जेक्ट जो है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे सारा सारा मिला मिलू करके देखो हार्ट से जुड़ा हुआ दिखाया गया, और ये सपोजिटरी का तो आपको पता ही है कि भाई ये तो एनीमा है ही, रेक्टल में देते ही हैं। अब एरिया और वेस्कुलरिटी का क्या रोल है एब्जॉर्बिंग सरफेस के साथ में, तो एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से भी और वेस्कुलरिटी से भी। ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन के अक्रॉस ज़्यादा अच्छा होता है स्टमक के कंपैरिजन में, क्योंकि इंटेस्टाइन में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होता है स्टमक के कंपैरिजन में, इसलिए इंटेस्टाइन में ज़्यादा अच्छा सा एब्जॉर्प्शन होएगा। अब स्टेट ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस में जैसे एट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस अगर किसी को हुआ हुआ है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी धीमे हो जाएगा भाई, मतलब पेट की अगर कोई बीमारी हुई हुई है। एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया की स्टेट मतलब कि वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है जिसका पेट एकदम हेल्दी हो, मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली बीमार है तभी दवाई ले रहे हैं, पर पेट अगर उसका एकदम सही है तो उसका एब्जॉर्प्शन ड्रग का ज़्यादा अच्छा होगा, जब पेट में अगर कोई बीमारी है तो एब्जॉर्प्शन धीमे हो जाता है। इसी तरह से रेट ऑफ जनरल सर्कुलेशन के भाई पर्सन शॉक में है, शॉक मतलब जब हाइपो वॉल्यूमिक कंडीशन आती है, शॉक तभी तो होता है जब वॉल्यूम कम हो जाता है, अपन पढ़ेंगे शॉक भी पैथो के अंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगी शॉक क्या होता है। इसके अलावा पेरिफेरल सर्कुलेशन अगर कम हो जाता है या आईवी रूट आप यूज़ कर रहे हो तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट डालते हैं एब्जॉर्प्शन पर। भाई आईवी रूट ऑब्वियस से ज़्यादा वो तो अवेलेबल होता ही है, उसमें एब्जॉर्प्शन का तो है क्या, तो सीधा ब्लड के अंदर गई है। पेरिफेरल सर्कुलेशन अगर कम है, शॉक में कम हो जाता है, तो फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। अदर ड्रग्स में इंटेस्टाइन फैक्टर स्टमक के बहुत एसेंशियल है, जैसे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है लोअर इलियम में, और एड्रिनल का, एड्रिनल क्या करते हैं वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है जिससे कि लोकल एनेस्थीसिया वगैरह का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और विटामिन B12 जो है वो स्टमक में इंट्रेंसिक फैक्टर की प्रेजेंस में उसका जो है एब्जॉर्प्शन लोअर इलियम से ज़्यादा हो रहा होता है, तो एक के साथ में दूसरी चीज़ अगर प्रेजेंट है तो वो उसके या तो एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी या फिर बढ़ा देगी। जैसे एड्रिनल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को डिले कर रहा है, एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, इफेक्ट तो फिर लंबे समय तक दिखेगा उसका, एब्जॉर्प्शन उसका डिले हो जाएगा, और इसी तरह से B12 जो है इंट्रेंसिक फैक्टर की प्रेजेंस ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होएगा। नेक्स्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसको आप प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट पास इफेक्ट। जब ड्रग्स मस्ट पास थ्रू गट म्यूकोसा एंड लिवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि भाई कोई भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले गट म्यूकोसा से और लिवर से पास होती है। अब गट का फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन है वो गैस्ट्रिक एसिडिटी से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंसुलिन डाइजेसिव एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये गट का फर्स्ट पास इफेक्ट है। हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, जैसे लिडोकेन, इसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए कभी भी ये ओरल नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से प्रोपेनॉलोल,
इसका भी एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो ये हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट कहलाएगा। तो बस इसके साथ ही आपके ये फार्मियोकाइनेटिक का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, एब्जॉर्प्शन। आगे क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।